हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चका चेक। दोस्तों, यूथ पावर किसी भी देश की मजबूती की पहचान होती है। देश का युवा जितना अधिक देश प्रेम देशभक्ति के जज्बे से भरा हुआ होगा, वो देश उतनी ही ज़्यादा ताकतवर होगी। दोस्तों, यूथ में ही वो शक्ति है जिसमें टेक्नोलॉजी, साइंस, एग्रीकल्चर, देश की रक्षा सभी जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। देश की सुरक्षा को और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए देश में अग्निवीर एग्जाम के आधार पर एंट्री दी जाती है, जिसमें देश के लाखों युवा भाग लेते हैं। अधिकतर युवाओं को देश की सेवा करने की ख्वाहिश होती है, जिसे वो अग्निवीर में भाग लेकर ही पूरा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको अग्निवीर की भर्ती से जुड़ी हुई सभी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, अपने देश के सभी राज्यों के युवाओं में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। यही कारण है कि भारतीय सेना में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्य के युवा बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। अग्निवीर के फॉर्म का नोटिफिकेशन आने से पहले भी मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो काफी पहले से डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले जहां आर्मी में खुली एंट्री होती थी, वहीं अब इसमें अग्निवीर के माध्यम से एंट्री दी जाती है। अग्निवीर के माध्यम से जल, थल और वायु सेना सभी में एंट्री दी जाती है। इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की पोस्टिंग जनरल ड्यूटी, टेक्निकल और कलर के लिए की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको अग्निवीर से जुड़ी हुई सभी जानकारी दूंगा। तो आइए देख लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे। जैसे नई अग्निवीर एंट्री क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होती है, इसकी भर्ती साल में कितनी बार होती है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल फिटनेस क्या होनी चाहिए, मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक अग्निवीर को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, अग्निवीर को कितनी सैलरी मिलती है, फॉर्म अप्लाई कैसे करें, अग्निवीर की तैयारी के लिए क्या करें। तो दोस्तों, इतने सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। साथ ही आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब अग्निवीर से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स को ध्यान से देखते हैं और जानते हैं नई अग्निवीर एंट्री क्या है। दोस्तों, अग्निवीर भारतीय सेना में एंट्री लेने का एक रास्ता है, जो रिटन एग्जाम CEE, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट तीनों पास करने के बाद खुलता है। इसकी घोषणा 16 जून 2022 को की गई थी। मुख्य रूप से डिफेंस की तीनों सेनाओं में कमीशन अधिकारी के पद से नीचे के सैनिकों के भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है, और इसी के तहत सेना में शामिल होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाता है। ये भर्ती 4 साल के लिए होती है, फिर 4 साल के बाद 25% अग्निवीरों को भारतीय सेना में पूर्ण रूप से शामिल किया जाता है। इसके बाद जानते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों, अग्निवीर बनने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से 50% मार्क्स के साथ 10+2 पास होना चाहिए, पर अगर आप एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 10+2 साइंस से होना चाहिए, मतलब आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश होने चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर 10+2 में आपका साइंस सब्जेक्ट नहीं रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल आर्मी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एज क्राइटेरिया क्या होती है। दोस्तों, अगर एज की बात करें तो इसमें 17.5 से 23 साल तक के युवाओं को मौका दिया जाता है। आपको हर साल निकाले जाने वाले वैकेंसी की नोटिफिकेशन में एज क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगी कि किस मंथ से किस मंथ तक के एज को आपको ऐड करना है। इसके बाद जानते हैं इसकी भर्ती साल में कितनी बार होती है। दोस्तों, काफी लोगों को इसकी एंट्री को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि इसमें साल में एक बार ही एंट्री होती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके लिए साल में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मई और नवंबर में भर्ती के लिए आवेदन लिए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इन्हीं दोनों मंथ में वैकेंसी आएगी, हो सकता है कभी कभी दूसरे मंथ में भी नोटिफिकेशन आए। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर रखा है तो आपको इसकी वैकेंसी की जानकारी समय पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अभी लाइक कर दें, साथ ही अगर इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसके बाद जानते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, अग्निवीर बनने के लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना होगा। इसके लिए पहले रिटन एग्जाम CEE टेस्ट पास करना होगा, मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। इसमें पास हुए कैंडिडेट्स को फिजिकल और मेडिकल दोनों स्टेप्स भी पास करने होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि रिटन एग्जाम के बारे में। इसमें जनरल ड्यूटी के कैंडिडेट से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग से होंगे। यह CBT मोड पर यानी ऑनलाइन
साइन लिए जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, मतलब एक गलत आंसर के लिए 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे कि इसमें पास होने के लिए मिनिमम 35 नंबर लाना जरूरी है। वहीं अग्निवीर टेक्निकल के लिए 200 नंबर के लिए 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 80 नंबर लाना कंपलसरी है। हर गलत आंसर के लिए एक नंबर काट लिया जाएगा। मैथ्स और फिजिक्स में 15-15 तो वहीं केमिस्ट्री एंड जीके से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों अब बात करें अग्निवीर क्लर्क के एग्जाम की, तो ये दो पार्ट में होगा, दोनों 100-100 नंबर का होगा। दोनों पेपर को मिलाकर कम से कम 80 नंबर लाना जरूरी होता है, जहां इसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, वहीं बाकी क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। इसमें गलत आंसर के लिए एक नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद जानते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों अग्निवीर में भर्ती के लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है जो सभी को पूरी करनी होती है, तभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन अग्निवीर के लिए हो सकता है। दोस्तों हाइट की बात करें तो अग्निवीर की जनरल ड्यूटी के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर होगी। वहीं सभी कैटेगरी के महिलाओं की हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं की लंबाई में 4 सेंटीमीटर, तो वहीं एक्स आर्मी खिलाड़ियों के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। वेट की बात करें तो पुरुष और महिला दोनों का वेट मेडिकल पॉलिसी BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार ही होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो इसके लिए मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट 77 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाए जाने पर साइज में 5 सेंटीमीटर जरूर बढ़नी चाहिए। लड़कियों को इसमें फ्री रखा गया है, पर 5 सेंटीमीटर सीना फुलाने की क्षमता होनी ही चाहिए। इसके बाद जानते हैं फिजिकल फिटनेस क्या होनी चाहिए। दोस्तों फिजिकल फिटनेस की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर रनिंग 6:30 में, तो वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट में करनी होती है। इसके साथ ही 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप भी पास करनी ही होती है। कैंडिडेट्स को 10 पुलअप करने पर 40 अंक, 9 पुलअप करने पर 33 अंक, 8 पुलअप करने पर 27 अंक दिए जाएंगे, जिससे कि मेरिट लिस्ट तैयार की जा सके। इसके बाद जानते हैं मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है। दोस्तों अग्निवीर की भर्ती में होने वाला मेडिकल टेस्ट ही यह तय कर देता है कि लड़ाई के मैदान के लिए वो कितने फिट हैं। सभी अग्निवीर को इसके मेडिकल टेस्ट को पास करना कंपलसरी होता है। इसमें आपकी आंख, नाक, पैर के साथ कुछ इंटरनल टेस्ट भी किए जाते हैं। इसलिए आप सभी को मेरा ये सजेशन है कि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद ही खुद का प्राइवेट में ही सही, पर सभी मेडिकल टेस्ट करवा लें, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उससे पहले ही सुधार की जा सके। इसके बाद जानते हैं एक अग्निवीर को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। दोस्तों इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर में सेलेक्ट किए कैंडिडेट्स को 4 साल के लिए सेलेक्ट किया जाता है। फिर 4 साल पूरा होने पर निधि पैकेज के रूप में 11.71 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह निधि पैकेज टैक्स फ्री होता है। अग्निवीर में से 25% को नियमित सेवा के लिए शामिल कर लिया जाता है। साथ ही इन्हें रिस्क और हार्डशिप भत्ते के साथ राशन, ड्रेस और यात्रा भत्ता दिया जाता है। अग्निवीर से निकलने के बाद आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद जानते हैं अग्निवीर को कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं अग्निवीर की सैलरी की, तो 4 साल की नौकरी में सभी साल की सैलरी डिफरेंट रहती है। पहले वर्ष में एक अग्निवीर को 30,000 सैलरी दी जाती है, जिसमें से 9,000 प्रोविडेंट फंड के लिए जमा कर ली जाती है। साथ ही इतनी ही रकम सरकार भी इनके अकाउंट में जमा करती है, तो इस तरह से पहले साल की इनहैंड सैलरी 21,000 होती है। दूसरे साल से इनकी सैलरी 33,000 होती है, जिसमें से 9,900 रुपए कट जाने के बाद इन हैंड 23,100 मिलेंगे। तीसरे साल हर महीने 36,500 में से 10,950 कटने के बाद 25,550 रुपए मिलता है। वहीं चौथे साल में इनकी सैलरी 40,000 पर मंथ हो जाती है, जिससे 12,000 कट जाने के बाद इन हैंड 28,000 सैलरी मिलेगी। इसके बाद जानते हैं फॉर्म अप्लाई कैसे करें। दोस्तों अग्निवीर की वैकेंसी साल में मई और नवंबर के मंथ में आने की संभावना रहती है। इसके लिए आप इनके वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहां पर आपकी सुविधा के लिए इससे जुड़ी वेबसाइट दे रहा हूं। ये वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in और joinindiannavy.gov.in। इसके बाद जानते हैं अग्निवीर की तैयारी के लिए क्या करें। दोस्तों अग्निवीर बनने के लिए आपको अपने फिजिकल पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके लिए रनिंग, पुशअप, लॉन्ग जंप, हाई जंप ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। वहीं फॉर्म भरने से काफ़ी पहले से तैयारी शुरू कर देनी होगी, जिसके लिए आप सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं। साथ ही रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के लिए 10th तक के बुक्स को रिवाइज कर लें। इसके साथ ही जनरल नॉलेज के लिए मंथली और ईयरली मैगजीन लेकर पढ़ना शुरू कर दें, तभी आप अग्निवीर बनने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों
इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।